हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। पाक भारत रिएक्शन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है इमरान उल्ला। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी प्राउड टू बी इंडियन। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इंडियन आर्मी पे है। यार, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और जो भाई नए हैं वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके और वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। वन थिंग रिमेंस द सेम, दैट इज योर टास्क एंड योर ड्यूटी। You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. The people of cities, towns, villages and gaons where you come from won't look at you. वीडियो जो है ना, इसमें अगर देखा जाए ना तो विजय बाबू भाई, जो आर्मी के नौजवान होते हैं ना, इनमें मुल्क का ये तो साफ जरा कि खर्चा इस पर बहुत ज़्यादा होता है। मिलिट्री पे मतलब पैसा मुल्क का बहुत ज़्यादा खर्च होता है इस पर बजट के हिसाब से। लेकिन जब ये तैयार हो जाते हैं ना तो फिर हर मुल्क इन पर फख्र भी करता है। मतलब है फिर वो जो खर्चा हो जाता है ना वो फिर बंदा भूल जाता है। मतलब है हर मुल्क जो है सुपर पावर जो है वो अपनी आर्मी के हिसाब से होता है।
तो अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को बता देता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना अक्सर ख्वाहिश होती है कि आर्मी वाले नौजवानों को देखा जाए वो कैसे लगते हैं, उनको बहुत ज्यादा लोग ख्वाहिश करते हैं। तो जब वो घर में आते हैं तो घर वालों को उनपे कितना प्यार होता है। अगर दो भाइयों या तीन भाइयों जो आर्मी वाला होता है ना, जो फौज जाता है, यकीन माने घर में भी उनकी इज्जत ज्यादा करते हैं। इमरान भाई पता है बात क्या, दरअसल ये इनका रैंक का तो मुझे नहीं पता, ये इनकी एकेडमी है जहाँ पे ये दिखा रहे हैं ना, हाँ ये इनके जो जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जो वहाँ पे दो साहबान है वो मैसेज में जरूर बताएंगे ये क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं ना लड़के नए एकेडमी में जो जब आते हैं ऑफिसर बनने के लिए, हाँ ये मेरे ख्याल वो लड़के हैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट पे रैंक पे भर्ती हो रहे हैं और उनको एकेडमी में ट्रेनिंग दे रहे, जो उनका मिशन होता है जैसे उनके मिशन पे उनको हाँ मतलब ट्रेनिंग, ये अलग एक होता है, ये उनकी फील्ड होती है। हाँ ये सेकंड लेफ्टिनेंट ही बनता, जब भी आर्मी में ऑफिसर कोई भी बनता ना, हाँ तो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट हो सकता है ये फिर किसी और शोबे के हो, लेकिन मेरे हिसाब की ये जो फील्ड है ना ये आर्मी में, हाँ ये मेरा आर्मी है। की उनकी सेकंड लेफ्टिनेंट की होगी मेरे हिसाब से। और यार वो जो ग्लेशियर पे भर्ती जो थी वो कितनी, ये बहुत महंगी तरीन है इमरान भाई, ये जो आपने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म देखी थी ना ये बहुत महंगी तरीन होती, दूसरी यूनिफॉर्म की नस्बत ये महंगी, और एक ऑफिसर बनने के लिए प्यारी की लग रही थी लाखों रुपए मेरा के मुल्क का बहुत ज्यादा सोल्जर और ऑफिसर में थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसकी स्टडी वगैरह भी साथ है बहुत ज्यादा, और उनकी ट्रेनिंग इनके साथ सोल्जर जो होता है ना आम सिपाही रैंक पे उसकी एक दफा ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, समझ आ, जो ऑफिसर बनते हैं ना उसकी ट्रेनिंग तो खत्म होती नहीं, जब ये ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी स्टडी भी चलती रहती है। ऐसी है जब इमरान भाई ये सेकंड लेफ्टिनेंट पे जब ये कैप्टन पे रैंक पे होते हैं तो इनको फिर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिटी पे भेजते हैं, वहां पे इनको फिर एक साल छह महीने का कोर्स चलते हैं, फिर जब ये इमरान भाई जब मेजर के रैंक पे जाते हैं फिर इनका दोबारा फिर होते हैं कोर्स। अच्छा ये जब ये मुख्तलिफ रैंक पे आते हैं रैंक पे तो ये इम्तिहान वगैरह दे के इनको बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती है, और सबसे इनका लंबा जो कोर्स होता है वो उसमें से मेरे मैं एक अपनी रह देता हूँ, मतलब के जब ये मेजर से कर्नल बनते सही उसमें से ये 400-500 कंट्री के लिहाज होता है ना मुख्तलिफ जैसे मतलब कंट्री जिसकी जितनी मिलिट्री उसके हिसाब, लेकिन मैं वैसे आम मिलिट्री की रूटीन बता रहा हूँ, मतलब 400 ऑफिसर जो मतलब टेस्ट देते हैं मेजर से कर्नल के रैंक के। अच्छा अच्छा तो उनमें से सालाना उसमें से जो आगे टेस्ट हजारों देते हैं ये नहीं, लेकिन 400 सिलेक्ट हो गया। अच्छा हजारों में से 400 मतलब जितनी यूनिटें हैं ना, हाँ हाँ इन्फेंट्री अटर्ली स्टामक जो भी मतलब फील्ड के होते हैं सही सब यूनिटों के टेस्ट देते तकरीबन 400 बंदे सिलेक्ट होते हैं, बाकी सब रिजेक्ट होते हैं, मतलब 600 नफरी हो जिस मुल्क की, लाख हो 10 लाख हो 20 लाख जितनी सही उसमें 500-400 हजार तक ये आगे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा फिर उनका क्या होता है एक सालाना उनका पूरा कोर्स होता है ये जो मेजर से कर्नल बनते हैं क्योंकि उसने पूरी यूनिट की कमांड संभालनी होती है सही सही, उसके अंडर मतलब सीओ भी होते हैं, जो सीओ होते हैं उसके सीओ सीओ मतलब होता है कर्नल को बोलते हैं, उसके नीचे ट्वेसी होते हैं जो मेजरों के ऊपर सीनियर होता है उसको ट्वेसी साहब बोलते हैं, तो इसलिए मेजर का रैंक जो होता है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब कर्नल बनने के लिए, इसमें इनके लिए भाई साल का कोर्स चलता पूरे साल का इमरान भाई। असल में ना विक्की बाबू भाई जो इनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है ना जी वो ये होती है कि इनको ईद पे किसी ऐसे मौके पे खास मौके पे भी छुट्टी, और सबसे बड़ी बात जो इमरान भाई ये जब ये सिलेक्ट नहीं होते ना आगे कर्नल के रैंक के लिए इनको बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि 7 दिन आगे चले जाते ये फिर मेजर के रैंक पे रह जाते, तो इनको जैसे एक बंदे को दिल में इतनी गम होता है कि एक बंदा पूरा साल स्टडी करे तो फिर आगे वो फेल हो जाए सही, उसको बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब वहम होता है। अच्छा विक्की बाबू भाई एक और भी बात होती है, असल में इनको इस चीज में भी बड़ा फख्र होता है, ये आर्मी वाले के जो नौजवान होते हैं ना मतलब है रैंक कोई भी हो मतलब है ये हर टाइम तैयार होते हैं कि मतलब है लड़ने के लिए अपने मुल्क के दिफा के लिए, इनकी पहली कोशिश होती है फर्स्ट इनका जो है ना वो यही होता है कि हम सबसे आगे हों, मतलब है अब देखो ना जो बड़े ओहदे पे होगा वो सबसे आगे होगा, फ्रंट लाइन पे वही होगा ना बाकी को कवर करेगा,
तो बाकी ये मतलब जो इमरान भाई मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, बाकी ये जो दूसरे लेवल पर जाते जो सिपाही बंदा रैंक पे होता है वो जैसे मतलब अपनी सर्विस के लिहाज से बढ़ता है, पहले होता है सिपाही फिर लास्ट नायक फिर नायक फिर इस तरह आगे हवालदार ऐसे स्टेप बचता है। हाँ, ऐसी ऐसी बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन सूबेदार मेजर फिर मेजर होता है। उसकी फिर उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी तकरीबन फौज में उम्र हो जाती 25 से 30। सही हो गया, ये थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है ऑफिसर की और उसमें थोड़ा सा डिपेंडेंट वैल्यू में फर्क बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसी ऐसी तो ये होता है आर्मी में थोड़ा सा, जब एकेडमी में जाते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट जो भी उनकी फील्ड हो चाहे वो किसी फील्ड में उनको भेजे वो उनकी अपनी मजा होती है। सही, चलो भाई हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।